वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नवोदय परीक्षा में तीन तरह की परीक्षाएं होती हैं और इसमें सबसे पहली मेंटल एबिलिटी की परीक्षा होती है। मेंटल एबिलिटी के जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका भाग एक पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम शुरू करेंगे भाग दो से। देखिए, भाग दो शुरू होने पर सबसे पहले आपको भाग दो के निर्देश दिए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये निर्देश दिए हुए हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको निर्देश को अच्छे से पढ़ना है। अब ये निर्देश किस प्रश्न के लिए, देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या दी हुई है, प्रश्न नंबर संख्या 5 से 8, यानी कि ये जो निर्देश हैं ये सिर्फ 5 से 8 के लिए हैं और प्रश्नों के लिए नहीं है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। अब ये प्रश्न क्या है, देखिए बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, प्रश्न चित्र यानी कि ये आपका प्रश्न चित्र दिया गया है, तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ये जो दाईं ओर 4 प्रश्न उत्तर चित्र दिए गए हैं आपको, उत्तर चित्र में अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें, यानी कि जो प्रश्न चित्र में चित्र बना हुआ है, जैसे ये प्रश्न चित्र में चित्र बना हुआ है, तो इस प्रश्न चित्र के समान आपको क्या करना है, इन चारों में से जो इस प्रश्न चित्र के समान चित्र है उसको आपको ढूंढना है। याद रखिए यहाँ पर देखिए उसमें आपको अलग चित्र ढूंढना था, जो तीन आकृतियों से अलग चित्र है, भाग एक में अलग चित्र ढूंढना था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको इस चित्र के समान चित्र यानी प्रश्न चित्र के समान का उत्तर चित्र आपको ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको इसलिए आपको विस्तारित रूप से बताया ताकि आपको प्रश्नों को करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए पहला है प्रश्न चित्र और ये है उत्तर चित्र। अब देखिए प्रश्न चित्र को सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रश्न चित्र को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये आपका प्रश्न चित्र है और प्रश्न चित्र में एक सर्कल बना हुआ है और उसके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी कि सर्किल उसके अंदर प्लस और प्लस बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार उत्तर चित्र में दो आकृतियां मिलती जुलती सी होती हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि सेंटर की जगह थोड़ा सा लेफ्ट या राइट या अप या डाउन में बना दिया होता है साइन और वहां पर हम कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। इसलिए हमें चित्र को बहुत ध्यान से देखना है और उस चित्र में जो आकृतियाँ बनी हुई है उनकी पोजीशन को भी ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर उत्तर चित्र में आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस बना हुआ है, यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे प्लस है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, आपका उत्तर सेम ये प्लस वाला होगा। यहाँ पे क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट है तो कुछ इजी क्वेश्चंस आपको मिले हैं, लेकिन आपको अभी आगे मैं इनसे रिलेटेड और आपके प्रश्न पत्र लेकर आऊँगी और उसमें इस ऐसे और भी प्रश्न होंगे जो थोड़े से कठिन भी हो सकते हैं, तो उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरी नहीं है सरल सवाल आए, कठिन भी आ सकते हैं और एक एक प्रश्न आपको नवोदय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तरफ ले जाता है और एक गलत क्वेश्चन आपको अपने परीक्षा के गोल से पीछे भी ला सकता है। इसीलिए आप हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना है और उसे करना है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहले एक आकृति दी गई है और वो आकृति आपको ध्यान रखना है कि वो आकृति कितनी, देखिए आकृति दी गई है और उसमें कितनी लाइंस की आकृति है, 1 2 3 4 5 लाइंस की आकृति है यहाँ पर। अब इसमें आप देखिए कि इसमें सेंटर में एक डॉट बना हुआ है, सेंटर में
डॉट बना हुआ है, तो हमको बिल्कुल ऐसी ही आकृति यहाँ पर ढूंढनी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है षटकोण जैसा बना हुआ है और यहाँ भी ऐसा लग रहा है षटकोण जैसा बना हुआ है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमें भुजाएँ भी गिननी है कि किसमें पाँच हैं और किसमें छः हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पाँच भुजाओं वाला, हमारी प्रश्न चिन्ह में पाँच वाला है, इसमें प्रश्न जो है हमारा उसमें पांच भुजाएं हैं। तो आप पहले देख लीजिए यहाँ पर कि पांच भुजाएं वाला कौन सा है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर पांच भुजाएं, तो ये आकृति इससे थोड़ी मैच करती है। अब सेंटर पॉइंट भी देखना है आपको, सेंटर में देखिए यहाँ पर डॉट है और इसमें भी डॉट है, तो इसका मतलब ये आकृति इस आकृति से मिलती जुलती है, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए प्रश्न चित्र क्या कह रहा है, इसमें प्रश्न चित्र को ध्यान से देखना है। प्रश्न चित्र में दो स्ट्रेट लाइंस हैं और एक कर्व लाइन है, और अब यहाँ पर देखिए इसके उत्तर चित्र में आप देखिए, उत्तर चित्र में भी आप देख पा रहे हैं कि दो लाइनों के साथ पहली आकृति में कर्व लाइन है, दूसरी में भी दो चित्र स्ट्रेट लाइन के साथ कर्व है, तीसरी में भी ऐसा ही है और चौथे में भी इसी तरह का है, लेकिन जो सेंटर में जो आकृति बनी हुई है वो सब में अलग अलग बनी हुई हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मैच करना है। अब आपको देखना है कि बिल्कुल सेम टू सेम जो बीच की आकृति है वो आकृति कहाँ पर आपको मिलेगी। तो वो आकृति आपको कहाँ मिल रही है, जी हाँ आपको मिल रही है पहली आकृति, ये पहली पिक्चर में, तो ये आपका उत्तर चित्र हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आज हम कुछ ज़्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, कल हम कम प्रश्न को कर पाए थे। आगे चलते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये चारों प्रश्न एक ही निर्देश पर हैं, इसीलिए इन चारों प्रश्नों को एक ही तरह से देखना है। तो यहाँ पर आपकी प्रश्न जो चित्र है वो कैसा है, ये देखिए ये प्रश्न चित्र है आपका। इस प्रश्न चित्र को आप देखिए, इस प्रश्न चित्र में सेंटर में जेड बना हुआ है, देखिए यहाँ पर ऐसे जेड बना हुआ है। अब आपको एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखना है। देखिए इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया पहले वाले क्वेश्चन से, क्यों, क्योंकि लाइन देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन बनी है, ठीक है, इधर इस यहाँ पर 3 और 5 लाइन, तीन इस साइड है और 2 इस साइड है। अब यहाँ पर भी देखिए 3 इस साइड है, 2 इस साइड है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दूसरी वाली फिगर में 1 2 3 4 है, तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं करती, इसे आप क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे भी 1 2 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको और इसको हमको, इसे और इसे हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2, अब यहाँ पे बहुत सारा गैप है, उसके बाद 3 है, इसने ये भी हमारी कैंसिल हो गई। अब बची हमारे पास दो फिगर, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, दो फिगर बची। अब इन फिगर्स में ही हमको देखना है, अभी ये बहुत हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैं इसे रब कर देती हूँ। तो हमें किस किस पिक्चर से देखना है, देखिए हमें देखना है ए पिक्चर में और हमारी सी पिक्चर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लाइन्स हैं, यहाँ पर भी 3 लाइन्स हैं, यहाँ भी 2 लाइन है, यहाँ भी 2 लाइन है, लेकिन अब आपको इससे बिल्कुल अपनी प्रश्न वाली से बिल्कुल आपको मैच करना है। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट लाइन को चेक करिए, आप इसको लाइन वाइज बिल्कुल चेक करिए, पहले फर्स्ट लाइन को देखिए सबसे पहले। तो ये फर्स्ट लाइन दोनों में सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। अब आप देखिए सेकेंड लाइन को, सेकेंड लाइन देखिए इसमें सेम है और इसमें अलग है, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो विच वन इज़ राइट, कौन सा सही है, हमारा ये ठीक है, यानी कि ये पिक्चर और ये पिक्चर सेम है, तो इसका आंसर होगा ए। तो इस तरह से हमको देखिए, ये तो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपका प्रश्न, आपको लगने लगेगा कि कुछ कठिन प्रश्न भी आ रहे हैं, लेकिन उनको अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और आपके सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आ गया आपका भाग 3, देखिए ये आ गया आपका भाग 3, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है।
देखिए निर्देश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर आप निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों के हल को ढंग से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ये निर्देश कितने प्रश्नों के लिए, पहले आप इस चीज़ को देखिए कौन कौन से प्रश्नों के लिए निर्देश है। प्रश्न नंबर 9 से 12 देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि 9 से 12 के लिए ये निर्देश है। बाई ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाई ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी में से ध्यान देना है आपको कि उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। आप समझ पा रहे हैं इस प्रश्न को? देखिए इसमें क्या करना है मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इस तरह के ही प्रश्न आपको वहाँ परीक्षा में मिलेंगे, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि आपको करना क्या है। देखिए ये एक आपकी प्रश्न चित्र है, यहाँ पे ये प्रश्न चित्र है। इस प्रश्न चित्र में क्या हुआ है, इस प्रश्न चित्र में 3 साइड तो इन्होंने बिल्कुल दिखा रखी है और चौथी साइड आपको, ये चौथी साइड यहाँ पर नहीं है। तो आपको बताना है कि इस चौथी साइड में क्या इन चारों में से कौन सा भाग बिल्कुल सही बैठेगा, ये आपका प्रश्न है और वो इन तीनों चित्रों से मेल खाना चाहिए। यानी कि बिल्कुल जब ये आकृति आप इस इन उत्तर चित्र में से जो भी मेल खाएगा उसको आप इस जगह पे रखेंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करना है, इसको करने का तरीका ज़रूर देखना है आपको। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको जो भी आकृति दी है प्रश्न चित्र में उसे पूरा करके देखना है आपको। सबसे पहले आपको वहीं पर उसी प्रश्न चित्र पर आप इसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। पेंसिल से आप यहीं पर बना लीजिए, प्रश्न चित्र में बना लीजिए यहाँ पर देखिए कैसे, या फिर आपको इमेजिन करना है लेकिन आप पहले कोशिश करिए कि इसको बना के देखिए। तो मैं आपके साथ बनाती हूँ। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं इस चित्र में एक अंदर स्क्वायर बना हुआ है, तो इस स्क्वायर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं, हमने यहाँ से ये मिला दिया तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप देखिए इसके बाद एक चीज़ नीचे है यहाँ पर, ये तीनों जगह ये लाइन बनी हुई है तो हमको यहाँ पर भी क्या बनानी है, ये लाइन बनानी है। ठीक है, ये लाइन हमने बना दी। अब इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये टू लाइंस बनी हुई हैं तो यहाँ पर ये टू लाइन हाफ है, इन टू लाइन को हमको क्या करना है, पूरा कर देना है। तो इस तरीके से ये टू लाइंस पूरी हो जाएंगी। अब आपको क्या देखना है, देखिए कि बिल्कुल ऐसी ही आकृति यहाँ पर इन चारों में से कौन सी मिल रही है। तो आप देखेंगे कि इन चारों में से ऐसी आकृति, देखिए ये तो है नहीं बिल्कुल आपको पता चल रहा है, ये भी नहीं है आपको पता चल रहा है। ठीक है, और इसको देखिए ये भी आपकी आकृति नहीं है क्योंकि ये लाइनों को काट भी रही है। देखिए और यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड है, हमको कैसी डायरेक्शन चाहिए, हमें ऊपर की डायरेक्शन चाहिए ये वाली। तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल आपकी इस साइड से मैच कर रही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए फिर से दिखाती हूँ मैं आपको कैसे मैच कर रही है। देखिए जो मैंने आकृति आपको बताई थी उससे मिलती हुई आकृति ये है। तो इस तरीके से आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करके देखना है। जब आप कंप्लीट करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न चित्र से उत्तर चित्र की कौन सी आकृति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे आपको आसान लग रहा है कि देखिए यहाँ पे सिंपल ये बना हुआ है और इस चित्र की आकृति को आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो ये देखिए मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ इसको, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसमें एक चीज़ और क्या है, ये भरी हुई है कलर्ड है। तो मैंने ये जब पिक्चर यहाँ पर बना दी तो मेरे लिए आसान हो गया इन चारों पिक्चर्स में से पिक्चर को ढूँढना, आसान हो गया ना, आपको भी आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पिक्चर यहाँ पर सेट होनी चाहिए उस पिक्चर को आपने यहाँ पर बना दिया, आप उस पिक्चर को इस चारों में से ढूंढ लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये तो नहीं है ठीक है,
और ये भी नहीं है ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ फिल है और ये छोटी बनी हुई है। अब बची दो आकृति जो कि बहुत हद तक इसी की आकृति जैसी लग रही है, लग रही है। अब यहाँ पर हमको डिफरेंस देखना है कि ये जो फिल वाला एरिया है ये हमारा कम है, लेकिन इस आकृति में ये फिल वाला एरिया ज़्यादा है और इसमें सेम टू सेम इसके जैसा है। तो हमारी उत्तर आकृति कौन सी होगी? सी वाली। सी वाली क्या हो जाएगी? हमारी उत्तर आकृति हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए आप इस क्वेश्चन को, ये देखिए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सी। ठीक है, इसी ये बिल्कुल आपकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सेट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। प्रश्न जो चित्र है वो आपको तीन आकृति दिखाई दे रही है। अब तीनों आकृति बिल्कुल एक सी दिख रही हैं, कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा, और यहाँ पर ये उत्तर आकृति दी गई है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोल है किसका? दिशा का, डायरेक्शन का। आप कौन सा सर्किल किस डायरेक्शन में कर्व हो रहा है आप देखेंगे। पहला किस कर्व हो रहा है? आप पहला जो है वो इस तरीके से हो रहा है, ये देखिए इस तरह से कर्व है, और इधर इस तरह से कर्व है, ठीक है। आप तीसरा वाला जो है ये है, ये कैसे कर्व है? ये अंदर, ये ऐसे करके कर्व है। अब यहाँ पे चौथा कर्व कैसा होगा? तो क्या ऐसा दोनों, जिसमें क्या है, इसमें देखिए दोनों अंदर की साइड मुड़े हुए हैं ऐसे, तो ये तो हो नहीं सकता, इसने ये हमारा कट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरे में देखिए दोनों बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप, दोनों बाहर की तरफ मुड़े हुए दिख रहे हैं, ये कट हो गया हमारा। तीसरा क्या है, तीसरे में आपका पहला अंदर को है, दूसरा बाहर है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए ऐसा, देख रहे हैं ना, क्योंकि बिल्कुल सेम हमें इससे मैचिंग करता हुआ यहाँ बनाना है। तो ये हमारा इस तरह का होना चाहिए। क्या ये सेकंड फिगर ऐसी है? नहीं है, तो ये हम इसे क्रॉस कर देते हैं। तो हमारी उत्तर बचा ए, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें इस तरीके से पिक्चर को बना लेना है और उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक पिक्चर को वॉच करना है, देखना है कि कौन सी पिक्चर हमारी पिक्चर सेट यहाँ पर होगी। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख रहे हैं आप, इस अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक मिनट रुकिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए जो तीन आकृतियाँ हैं, ये 1, 2 और ये 3 जो हैं, इन आकृतियों के, इनके अंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। ये तीन पिक्चर्स हैं, इनके अंदर जो आकृति बनी है, अब आकृतियाँ आपको देखनी है कि कैसी कैसी आकृति बनी हुई है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आकृति इस आकृति से मिलती हुई है, तो ये दोनों आकृतियाँ सेम हैं और ये आकृति डिफरेंट है। अब ये आकृति जो इसमें है, क्योंकि इसके सामने सामने की आकृतियाँ एक जैसी हैं, इसीलिए यहाँ पर जो पिक्चर है वही पिक्चर इस सर्कल में भी, यहाँ पर इस स्क्वायर में भी आएगी, आप समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सेम कौन सी वाली पिक्चर ढूंढनी है जो कि इस स्क्वायर में है, ठीक है। तो चलिए इसके सेम पिक्चर देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें इस तरह की दो आकृतियाँ हैं, इस तरह की, ये देखिए मैं हल्का सा ड्रॉ कर रही हूँ आपको, वैसी ही आकृति और बीच में ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये वाली पिक्चर नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर जो है इससे मैच कर रही है, ठीक है, ये नहीं है, ये पिक्चर बिल्कुल अलग बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये दो ऐसे बने हुए हैं, तो ये नहीं हो सकती, से कट कर दीजिए। तो बची कौन सी, ये, तो ये पिक्चर आपकी यहाँ पर सेट होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सेट सॉल्व करने होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।